हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ अमेजिंग, कुछ नया। जी हाँ, मैंने 31 गिलास यहाँ पर लिए हैं कंच के। जी हाँ, आप देखते हैं इन गिलासों में से आज के इस गिलास की जो जान है वो बच पाती है, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इनके साथ कुछ नया। जी हाँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए गिलास और पेपर। तो आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को करने वाले हैं इन ग्लासेस की हेल्प से। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। तो मैंने पेपर को रख दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा और सामान नहीं है। जी हाँ, मैं ग्लासेस को इसके ऊपर रखने वाला हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं 31 ग्लासों का यूज करूंगा। 31। तो यहाँ पर मेरा टावर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कांच की हमने एक इमारत तैयार कर दी है। अब शुरू होता है असली काम। मुझे ये पेपर इन ग्लासेस के नीचे से निकालना है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं पेपर खींच रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पेपर को खींच रहा हूँ ग्लास इसके साथ ही आ जाते हैं, और अगर मेरी थोड़ी सी भी लापरवाही इन सभी ग्लासेस को तोड़ देगी और हो सकता है इस कांच के टेबल को भी तोड़ दे। तो क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? क्या मैं इसके नीचे से पेपर को निकाल पाऊँगा? जी हाँ, चलिए देर किस बात की है, हम कर कर देखेंगे। तो फालतू टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे झुक जाता हूँ और हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इस पेपर पर लगाने वाला हूँ फोर्स। 1, 2 और 3। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक भी ग्लास ऊपर से नहीं गिरा है और मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया हूँ। मैंने 31 ग्लासों के नीचे से, कंच के ग्लासों के नीचे से इस पेपर को निकाल दिया है बाहर। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो मैंने भी क्या किया, इस पेपर के ऊपर रखे हुए सभी ग्लासेस जो थे मेरे वो रेस्ट पोजीशन में थे। मैंने सिर्फ पेपर पर फोर्स लगाया और जैसे ही पेपर पर फोर्स लगाया, सिर्फ पेपर इन ग्लासों के नीचे से बाहर आया। तो दोस्तों, बड़ा ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। आशा करूंगा कि आप इसे घर पर ट्राई करें, लेकिन अपनी पेरेंट्स की प्रेजेंस में। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए, तो आप पेरेंट्स की प्रेजेंस में इसे ट्राई कीजिए, अपने टीचर्स की प्रेजेंस में इसे ट्राई कीजिए। साइंस के ऐसे ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट ट्राई करते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, ब्रश योर माइंड को। लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और वीडियो बनाने के लिए मुझे मिले प्रोत्साहन। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।